इधर से नसीहत लिए क्या इंदा के बाद आके कहने पे कहीं रोकू ना मैं है। अच्छा चलिए कार जाना ये मतलब तो क्या कार जाना नहीं फिर वैसे आए नहीं फिर ये मतलब क्या था आपका तो कह रहे थे बाइक नहीं मिली थी हमने कहा यहाँ नहीं तो आपने कहा कि अंकल को बेवकूफ बनाते और इधर ले आते हैं नहीं मैं तो बस आप नहीं थैंक यू सात पैंतालीस सात पैंतालीस और 15 मिनट हैं 8 बजे स्कूल लगना है हम थोड़ी देर यहाँ पे घूम लें 8 बजे स्कूल लगना है फिर जल्दी पहले बुला लिया है 8:30 बजे आपके टीचर को लेना है मैंने कमरा को हम बस आ रहे हैं बस आपने 15 मिनट लग रहे हैं चल लेने में ऐसी गाय हम लोग चलते हैं अंदर और फिर घुमा के आते हैं वापस ठीक है उसके बाद स्कूल चलेंगे झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे क्या घूम चुका आगे आते हैं भाई खड़ा करना था इनको रिक्शा चलिए अभी हम लोग घूमते घुमाते इस जगह पे आए हैं कुछ तस्वीरें वगैरह खिंचवाने 15 मिनट पूरे करके रिक्शे वाले के पास जाएंगे और वापस हम उसको जाते ही कहेंगे यार डर लग रहा था बोल दे कहीं बोले ही ना जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7 और यार आज के व्लॉग के आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिए यार आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं आज हम लोग जा रहे हैं जी रिक्शे वाले अंकल पे प्रैंक करने तो जी हाँ यार प्रैंक क्या होगा यार अभी रिक्शे वाले को मैंने रात को कॉल करके कहा है जी हमने स्कूल जाना है सुबह रिजल्ट लेने जाना है तो कहता है सुबह संडे वाला दिन है स्कूल कहाँ जाना है मैं भाई जाना रिजल्ट लेने जाना है ठीक है ना तो कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा सुबह 7:30 बजे का टाइम है तो भी मैं उसे ओ देखो जी रिजवान साहब आ गए हैं वो चेक करे जी रिक्शे वाला भी आ गए रिक्शे वाला भी आ गए चेक करो जी थोड़ा सी यार नीचे उतरते हैं तो चार करते हैं जी अपना आज का प्रैंक रिजवान साहब को पिक कर लिए क्या हाल है रिजवान साहब ठीक है तो रिक्शा वाला आ चुका है तो अभी हम ना चलते हैं जी गुलशन इकबाल स्कूल के बारे वहीं जाके सारा आपको सीन बताते हैं ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी क्या हाल चाल है ठीक और भी जनाब इसने भी जाना था इसने भी रिजल्ट लेना था ठीक है ना 5000 नहीं सेंड किया 5000 आएगा तो सेंड करांगा ना रात को मैंने अंकल के साथ प्रैंक किया बैठे हमने जी कॉल किया अंकल को किसी और नंबर इसके नंबर से इसके पास नंबर नहीं है अंकल का हमने कहा थी 5000 पे आया तेरे अकाउंट से सर वापस सेंड करो कहते भाई मेरे अकाउंट में तो नहीं आया थैंक यू सर बाल सर 7:45 और 15 मिनट है 8 बजे स्कूल लगना है हम थोड़ी देर यहाँ पे घूम लें 8 बजे स्कूल लगना है फिर जल्दी पहले बुला लिया है 8:30 बजे आपके टीचर को लेना है मैंने कमरा को हम बस आ रहे हैं बस आपने 15 मिनट लग रहे हैं चल लेने में बस थोड़ी देर आ जा थोड़ी देर घूम के आ रहे थे ऐसे गए थे हम लोग चलते हैं अंदर और फिर घुमा के आते हैं वापस ठीक है उसके बाद स्कूल चलेंगे झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे क्या घूम छू आ गए भाई खड़ा कर रहे थे इनको रिक्शा चलिए अभी हम लोग घूमते घुमाते इस जगह पे आए हैं कुछ तस्वीरें वगैरह खिंचवाने 15 मिनट पूरे करके रिक्शे वाले के पास जाएंगे और वापस हम उसको जाते ही कहेंगे यार डर लग रहा था बोल दे कहीं बोले ही ना हमें हम कहेंगे जी यार चलें कहेगा कहाँ स्कूल जाने का तो हम कहेंगे नहीं जी घर वापस फुल तप हो जाएगा भाई साहब घर क्यों जा रहे हैं स्कूल नहीं जा रहे हम कहेंगे नहीं आपके साथ यार प्रैंक करते हमने बस गुलशन इकबाल घूमने वगैरह आया था तो खैर अभी बाहर जाके सब कुछ देखेंगे यार पता नहीं क्या कहेगा वो आपने हेलमेट में देख लिया हमें पता नहीं अभी तो यहाँ पे आज तस्वीरें वगैरह खिंचवाते हैं उसके बाद चलते हैं 15 मिनट पूरे करके जाएंगे ठीक है ना अभी 10 मिनट पड़े हैं 5 मिनट हमने आते आते जाया करते हैं तो 15 मिनट बाद ही हम जाएंगे तो फिर देखते हैं यार रिक्शे वाले का क्या रिएक्शन आता है आए 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 भाई साहब रिक्शे वाले की कॉल आई है जी अभी यार जल्दी जल्दी वापस आ जाओ तो मैं कहा यार मैंने इसको बोला दोबारा बोले रिकॉर्ड करते हैं साथ की आवाज़ नहीं आई दोबारा बोल यार इसने कहा ठीक है आ रहे हैं कॉल कर दी यार रिक्शे वाले की कॉल आ चुकी है तो थोड़ा बहुत और घूमते हैं तो यार उसके बाद चलते हैं क्योंकि 5 मिनट रह गए 8 बजे में उसमें आगे से मेरे ख्याल लेना है किसी को थोड़ा बहुत से यार हम थोड़ा बहुत घूमते हैं इंतजार तो करवाना है उसको थोड़ा बहुत से यार थोड़ी देर घूम के उसके बाद चलते हैं और अपना प्रैंक उनके ऊपर स्टार्ट करते हैं अभी प्रैंक स्टार्ट तो हो चुका है बट उनको बताया नहीं है कि अभी प्रैंक है तो अभी चलते हैं बराबर से बाहर घूम जल्दी आना तू चलते हैं फिर और बताते हैं यार हमने वापस घर जाना है स्कूल वूल कोई नहीं जाना चलिए हमने प्लेट वगैरह लिया है पकड़ ले चला चले फिर लेट हो गई है बहुत ज़्यादा लेट हो गई है यार लेट हो गई है और डांटेगा और गुस्सा होगा तो खैर 8 पूरे बज गए अच्छा 8 पूरे बज चुके हैं अभी चलते हैं जी पार्क से बाहर और छुपके रिकॉर्ड करेंगे यार जो बोलेंगे ना क्योंकि अगर हमने कैमरा ऑन रखा उन्होंने कैमरा देख के जो है कुछ और ही साथ बोलना है तो ठीक है ना तो छुपके रिकॉर्ड करेंगे ये आगे से अंकल से बात करेगा भाई जान चले देखेंगे कहाँ पर देखेंगे घर तो देखते हैं यार अंकल का क्या रिएक्शन आता है ये भी हम कॉल करें रिक्शे वाले को यार फुल तो पाना है रिक्शे वाले को आज तो जी कॉल जा रही है चेक करें जी दिखा दे रहा फोन
हेलो हेलो आ रहे हो कि नहीं आ रहे कि मैं जाऊं? आ रहे हैं, 5 मिनट तक आ रहे हैं बस। मैं जा रहा हूं फिर, अगर वो भी पीछे होकर बाहर निकलो। चल ठीक है, आ रहे हैं हम। फुल गुस्से में आ गई रिक्शा वाला, फुल गुस्से में आ गए। चल सामान पास बहुत हो गई है, बहुत पा लिया उसको। यार बाहर खड़ा हो गया, हम गेट के पास ही हैं, तो मेरे ख्याल है बाहर खड़ा है, तो फटाफट से चलते हैं। और यार समझ नहीं आ रही प्रैंक करने का करना, तो बोलना कैसे है कि यार घर चल रहे हैं, हम आगे साथ प्रैंक कर रहे थे। ओए ओए यार वो डर लग रहा है, उसने जो है ना बड़ा बोलना है, कैमरा छुपा के रिकॉर्ड करेंगे। ये देखो हमारी तरफ देख रहे हैं, फुल तपे भी अंकल। तभी चलते हैं भाई, ओए 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 काम देखना भी काट है। तो भाई चलते हैं, देखते हैं अंकल क्या रिएक्शन आता है। नहीं फिर वैसे आए नहीं, फिर ये मतलब क्या था आपका? तो बाइक नहीं मिली थी हमने कहा यहाँ। नहीं तो आपने कहा कि अंकल को बेवकूफ बनाते हो और इधर ले आते हैं। नहीं मैं तो मजाक नहीं, अब चलो ना स्कूल, चलो जाके काम लो अपना। ठीक है 5 मिनट लगेंगे बस घूमूंगा आगे स्कूल से वापस आने। हम तो वैसे घूमने आए थे थोड़ा सा। नहीं तुम ये मजाक क्या था, मैं आपके घूमने के लिए फ्री बैठा हूँ, मगर थोड़ी देर के लिए टाइम मांगा था आपसे। आपने मुझे बताया कि गुलशन पार्क जाना है, आपने मुझे क्या बोला कि स्कूल से काम लेने जाना है? हमको तो दूर आएंगे, ये तो स्कूल है, हल्के तो स्कूल से कम फासले पे आए हैं। ये कुछ नहीं आता, आइंदा के बाद आपकी मम्मा की फोन आएगा तो मैं तुम बात करूँगा। आपके अतमाद किया मेरा, समझ आई बात मेरी? मैं रात को भी मेडिसिन ले जा रहा, मेरी तबीयत नहीं ठीक, रुपा सुबह से। अच्छा 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 क्या जी अंकल ने मुझे उतार तो दिया यार, बड़ा हैवी वाला के साथ प्रैंक हो चुका है। अंकल फुल तप गए थे यार, क्यों लेके आए मुझे यहाँ पे, पागल हो गए मैं, ये था मुझे ये काम था, मुझे वो काम था। मैं अंकल जी छोटा सा प्रैंक ही किया है, तो यार खैर छोटे छोटे मोटा प्रैंक होता रहता है। तो गाइस अगर आपको यहाँ पे ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मैं चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू।